नमस्कार, मैं दीपक, आप सभी का स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट एवं चेन स्नैचिंग की वारदातों में शामिल दो शातिर बदमाशों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों ने वर्ष 2017 में विश्वविद्यालय थाना इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों आरोपी ठाटीपुर थाना इलाके के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि विश्वविद्यालय इलाके में वर्ष 2017 में हुई 10 लाख की लूट के दो लुटेरे नदी पाटाल इलाके में घूम रहे हैं, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर यहां से वीरू राणा और राहुल इंदौरिया को पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने लूट की वारदात कबूल कर ली। इसके साथ ही आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मुरार थाटीपुर और विश्वविद्यालय इलाके में चेन स्नैचिंग भी की है और लूट की रकम को उन्होंने मकान निर्माण में खर्च कर दिया है। ये एक जून के महीने 2017 में एक लूट हुई थी। एक कंपनी के मैनेजर लोग पैसे लेके जा रहे थे, 10 लाख रुपए लेके जा रहे थे, उसको छीन कर ले गए थे। उस संबंध श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को मुखिया सूचना मिली कि उनके द्वारा श्रीमान माइक टू महोदय क्राइम साहब को बताया गया, उनके द्वारा मुझे थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई करने निर्देशित किया गया। उस पर से वीरू राणा और राहुल इंदौलिया दो व्यक्ति को पकड़ा, उन्हें लूट की घटना करना स्वीकार किया है और ये घटना जून 2017 में हुई थी और इनके द्वारा अन्य घटना भी है, चेन स्नैचिंग की महाराजपुरा मुरार और ये ठाटीपुर क्षेत्र में भी घटना करना स्वीकार किया, जिस संबंध पूछताछ की जा रही है इनसे। कितनी रिकवरी हुई है बदमाशों से? इनसे जो आरोपी बीरू था, बीरू ने जो मकान उसके हिस्से में 4 लाख रुपए पड़े थे, वो 4 लाख रुपए में इसने मकान लिया, 2018 में मकान ले लिया था, उस मकान की कुर्की कार्रवाई की जा रही है। और दूसरे आरोपी से? दूसरा आरोपी राहुल इंदौलिया, तो उसको 30,000 मिले थे, वो 30,000 रुपए में उसने खर्च कर दिए और उस संबंध में हमने पीआर लेके और रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं इसका। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी ने समर्पण दिवस के रूप में मनाया। सोमवार की सुबह दीनदयाल नगर चौराहे पर सभी नेताओं ने उपस्थित रहकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित किए। उसके बाद सभी 60 बाटों में समर्पण दिवस की शुरुआत की गई। श्रद्धांजलि समारोह में पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष और महामानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि थी। इस पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर महानगर द्वारा सुबह दीनदयाल नगर पर उनकी प्रतिमा पर आज माल्यार्पण किया गया भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा। इसके बाद शहर के 60 वार्डों में उनकी पुण्यतिथि प्रत्येक वार्ड में मनाई गई और वक्ता के रूप में हमारे एक एक वरिष्ठ नेता गए हैं। मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि महामानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, प्रत्येक शहर के हर जिले में, हर नगर में और मंडल में व्यापक स्तर पर मनाई गई है और हमारे कार्यकर्ताओं ने इस पुण्यतिथि के अवसर पर बढ़ चढ़ करके भाग लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुना जिले में होने वाले प्रदेश स्तरीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सोमवार को पड़ाव स्थित मोदी हाउस का भाजयुमो कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे और 1 मार्च को युवा मोर्चा द्वारा निकाली जाने वाली रैली पर चर्चा भी की। भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम युवा सम्मेलन जो कि गुना में होने जा रहा है और पूरे संभाग के जिलों को वहाँ पर पहुँचना है। युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं का अधिक से अधिक संख्या में हमें वहाँ पर ले जाना है, इसी के निमित्त यहाँ पर बैठक आयोजित है और 2 मार्च को पूरे देश में युवा मोर्चा हर विधानसभा में एक रैली निकाल रहा है एक ही समय पर, तो उसके निमित्त भी बैठक रखी गई है। रैली कैसी क्या रहेगा? रैली का हर विधानसभा में अलग अलग जगह से रैली स्टार्ट होगी, एक ही समय पर स्टार्ट होगी। उस पूरी रैली का पूरे देश में सैटेलाइट से मॉनिटरिंग होगी और वह गिनीज बुक में रिकॉर्ड की जाएगी।
ग्वालियरपुर विधानसभा से विधायक मुन्नेलाल गोयल द्वारा इन दिनों आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। इसी सिलसिले में सोमवार को उन्होंने दीनदयाल नगर स्थित महाराजा कॉम्प्लेक्स में चौपाल सजाकर लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया। किसान फसल ऋण माफी योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए एलईडी प्रचार रथ को जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयुक्त पीनर हरी भी उपस्थित थे। यहां बता दें कि प्रदेश के 313 विकास खंडों में एक एक एलईडी प्रचार रथ भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार वचन पत्र के लिए गए वादे पूरे कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों और युवाओं के लिए चलाई जा रही जनहितैषी योजना की जानकारी इन रथों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जाएगी।